शुक्रिया अल्लाह का करना चाहता हूँ जिसने हमें ये पावर दे दिया। उसके बाद में अपनी जो हमारी इंजीनियर विंग है R&B, उनका काफ़ी सारा योगदान यहाँ रहा है। वो कंसर्न जो वार्ड मेंबर है जो मेरे पीछे पड़ा था 24 घंटे के इस रोड पे मैकडम होना चाहिए कि 2009 में मैंने इसमें कोशिश की है, रोड भी मैंने ही बनवाया। ये जंगल का एक रोड पड़ता है, उस वक्त हमने ये पहाड़ काट कर ये रोड बनवाया उस वक्त, क्योंकि ये जो बेचारे हैं पसमानदा है, एक फार फ्लंग एरिया है, इसमें कभी अभी तक ना रोड था ना जो ये चाहे मटेरियल चावल वगैरह लेते थे या तो ये हॉर्स पे लेते थे या ऐसे ही मतलब लेते थे। आजकल ये बहुत खुश है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी इज़ मस्ट, जो हमारी स्ट्रीट एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन या ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन है कि वो चाहते हैं कि हर गली हर कोचे तक रोड पहुंचना चाहिए। बिजली सड़क और पानी ये हमारा इम्पॉर्टेंट इशू था और आगे भी रहेगा। हम चाहते हैं डूरू वेदना के जितने भी इंटीरियर रोड या मेन रोड्स है हम उनको मैकडम बिछाने का काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कोई एक दो लिंक बची होगी अब तक वेरीनाग की और एक और डूरू की एक, बाकी जितना भी रहा हमारा डोमेन इसके अलावा जो विसिनिटी के रोड्स थे हमारे उसकी वो मैंने डिस्कस किया कंसर्न एग्जाम से, तो उन्होंने भी उस जो विसिनिटी के रोड पड़ते उनमें भी DPRs तैयार किए और उनके भी तकरीबन मैकडमाइज़ का काम कंप्लीट हो चुका है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा एक ख्वाब है, बड़ा ड्रीम है, अनंतनाग डूरू वेरीनाग रोड, जिसमें कोई हमारे R&B के इंजीनियर विंग ने 850 करोड़ रुपये का DPR तैयार किया है। उसमें जो कंपनसेट होता है जो वो कोई 500 करोड़ का, 350 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का काम होगा। उसमें हम कोशिश करेंगे, मरकजी गवर्नमेंट को लिखेंगे, ऑनरेबल LG को लिखेंगे। मेरे ख्याल से अगर पूरी कोशिश हमारा साथ देगी, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की लोकल्स, हम आगे भी बात तक पहुँचाएँगे कि ये हमारा जो ख्वाब है अनंतनाग डूरू वेरीनाग ये थ्रू हो जाए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा दिखाकर इसमें टोकन मनी डाले ताकि ये अनंतनाग वेरीनाग डूरू रोड कनेक्ट हो, जिससे बानेहाल देसा रोड कुकरनाग वगैरह सब कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल टाउन रहा है तो टू हाइस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है वेरीनाग। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जितनी हमारी रोड का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, आइंदा एक साल में तकरीबन हमारा डूरू का कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में देखा कि यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे मैकडमाइजेशन हो रहा है, तो इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं R&B डिपार्टमेंट के और उसके बाद म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग, उसके जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इकबाल साहब। तो सबसे पहले जो क्रेडिट मैं दे रहा हूँ वो इकबाल साहब को दे रहा हूँ कि इनकी वजह से और इनकी जो कारनामे की वजह से यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैकडम हो रहा है। तो मैंने भी अभी मैं 32 का हूँ तो मैंने अपनी एज में फ़र्स्ट टाइम देखा कि यहाँ पे मैकडमाइजेशन हो रहा है। तो हम सारा क्रेडिट जो दे रहे हैं सबसे पहले इकबाल साहब को दे रहे हैं जो हमारे प्रेसिडेंट है म्यूनसिपल कमेटी डूरू वेरीनाग के। तो उसके बाद हमारा एक यहाँ पे काउंसलर है हिलाल साहब, उसका भी हम शुक्रगुजार हैं, उसने भी यहाँ पे बहुत सारा काम किया है, इकबाल साहब ने भी, और R&B डिपार्टमेंट के भी हम शुक्रगुजार हैं तो जिन्होंने ये मैकडमाइजेशन का काम स्टार्ट किया। तो हम यहाँ बहुत खुश हैं क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, बारिशें होती थी तो हमें कीचड़ होती थी यहाँ पे, या बहुत सारा प्रॉब्लम्स होती थी, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी, उनकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती थी, तो अक्सर मतलब विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे होती थी। तो मैकडमाइजेशन यहाँ पे हो गई तो इसके लिए मतलब यहाँ सबके चेहरों पे खुशी मुस्कान है, अभी यहाँ पे खुशी की लहर है, यहाँ पे सब लोग खुश हैं, तो इसलिए हम इनका शुक्रगुजार हैं। हम जहाँ तक मैकडमाइजेशन का सवाल है, इकबाल साहब जो यहाँ है म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन डूरू के, मेरे हिसाब से लगता है, मुझे जहाँ तक मेरी एज है, इस रोड को कोई बूझ परेशान नहीं था। तो इकबाल साहब जहाँ तक उसका कंसर्न है, वो यहाँ के हीरो है और उसने दिन रात एक मेहनत करके इस रोड को मैकडमाइज करने में हमारा भरपूर मदद किया। तो हम इकबाल साहब के साथ साथ यहाँ के जो काउंसलर है मिस्टर हिलाल अहमद लोन, उसके भी काफ़ी शुक्रगुजार है कि उसने भी दिन रात मेहनत करके पूरी तरीके से इस रोड को मैकडमाइज कराने में, और R&B डिपार्टमेंट जो है उसके भी पूरे मशकूर है कि उन्होंने भी मुतलिका हुकाम से मिलकर शाना बशाना खड़ा होकर एक साथ मिलकर इसको मैकडमाइज कराया। Introducing KashmirOnline.com.
a gateway for Kashmir, bringing you the latest information about Kashmir and one-click access to three new portals. KashmirNewspapers.com, bringing you all local, national, and international news. KashmirHeadlines.com, breaking news and headlines. JKHotline.com, TV news. Make KashmirOnline.com your favorite bookmark.